व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू न्यू सेव। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं डेली न्यूज लाता रहता हूँ पूरे यूट्यूब बोल से। गाइस, आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ राउंड 12 के मेंबर नाजिम अहमद के बारे में। सो नाजिम अहमद अपना न्यू सॉन्ग रिलीज करने वाले हैं, सो इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा, चलिए देख लेते हैं। गाइस कैसे हो आप सब? तो गाइस काफी लोग मतलब पूछ रहे थे कि भाई वो स्टोरी समझ में नहीं आई, तो मैं बता देता हूँ कि गाइस सॉन्ग आ रहा है। यस गाइस सॉन्ग आ रहा है, बट ये राउंड 12 वाला सॉन्ग नहीं है, ये पर्सनल सॉन्ग है मेरा। काफी टाइम से इसके ऊपर हम लोग मेहनत कर रहे थे और अभी मैंने ये सॉन्ग टीम को दिखाया है, तो वो टीम का मतलब एकदम अच्छा रेस्पॉन्स है। बस अब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, तो बताता हूँ आप लोगों को कि कब आएगा और कहाँ आएगा। तो बस उम्मीद आपसे इतनी है कि जैसे आप लोग फनी वीडियोस पर रेस्पॉन्स देते हो, वैसे ही मुझे इस पर भी रेस्पॉन्स चाहिए अच्छा। तो बस इतना बताना था आप लोगों को, मिलते हैं जल्दी। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यस्टरडे की न्यूज़ में कवर किया था कि अमित भड़ाना एंड हर्ष बेनीवाल ने अपनी न्यू वीडियोस रिलीज करी थी। सो इसके ऊपर आज धीरज जोरवाल ने रिएक्ट करते हुए ये कहा कि वी फील प्राउड टू हैव कंटेंट क्रिएटर लाइक हर्ष बेनीवाल एंड अमित भड़ाना, दे डिजर्व मोर देन ट्रेंडिंग 1 और 2 सेक्शन। जिस लेवल का कॉन्टेंट ये अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इंडिया में इंडिविजुअल लेवल पे कोई दे रहा है। कीप क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट एंड माइलस्टोन एवरी टाइम। सो गाइज, इन दोनों क्रिएटर्स की वीडियोज की बात कर ही रहे हैं, तो हर्ष बेनीवाल की वीडियो को रिलीज हुए 22 आवर्स हो चुके हैं एंड टिल नाउ उस पर 1 मिलियन लाइक्स हिट हो चुके हैं, जो उनके चैनल पर एक न्यू रिकॉर्ड है। सो इसके ऊपर हर्ष बेनीवाल ने क्या कहा, चलिए देख लेते हैं। ये स्टोरी सिर्फ आप लोगों के लिए स्पेशल बना, क्योंकि मैं सुबह से बहुत बिजी था और मैं को थैंक यू टाइम नहीं मिला आप लोगों को। सो थैंक यू सो मच, बिकॉज आप लोग जैसे एक तो ट्रेंडिंग नंबर 1 आई हुई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, और 22 घंटे में 1 मिलियन लाइक मेरे चैनल का नया रिकॉर्ड है, और आफ्टर द टिकटॉक वीडियो। तो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे सपोर्ट करते रहो, ऐसे प्यार करते रहो, एंड आई लव यू। और जिन्होंने नहीं देखे यार जाके देखो। गाइस, हर्ष बेनीवाल ने तो अपना रिकॉर्ड बता दिया। नाउ लेट मी टेल यू अमित भड़ाना का रिकॉर्ड, इंडियाज फर्स्ट कॉमेडी क्रिएटर, 1 मिलियन प्लस कमेंट्स ऑन 5 प्रीवियस वीडियोस। दी अमित भड़ाना कॉमेडी वीडियोस पर 1 मिलियन लाइक्स आज से 3 साल पहले करने वाले सबसे पहले हम थे, और आज कमेंट्स करने वाले भी, ये सब प्यार है आपका, रिकॉर्ड बनेगा टूटेगा पर साथ नहीं छूटेगा, लव यू ऑल। आप सफर में साथ हो, चाहे वो पहला 1 मिलियन लाइक्स हो, चाहे वो 1 मिलियन कमेंट्स हो, आपने हमेशा साथ दिया है, मैं इसका शुक्रगुजार था, शुक्रगुजार हूँ और रहूँगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कुछ लोग एक काम करते हैं, जब अपने रिकॉर्ड्स बनते हैं ना तो लाइक्स खरीद लेते हैं, व्यूज़ खरीद लेते हैं, और फिर तोड़ने के जुगाड़ में लग जाते हैं। तो अब देखना आपको ये चीज़ें आसपास अब बड़ी जल्दी सुनने को मिल जाएंगी कि अमित का ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, क्योंकि रुका नहीं जाता। ऐसा लगता है कि इसने कर दिया, तोड़ के हम बड़े दिखाते हैं। तो कंटेंट से या ओरिजिनल उससे तो होता नहीं है, थोड़ा ये इधर उधर की चीज करके कर लेते हैं। खैर छोड़ो, हमें क्या, बाकी अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, आपको पता ही है। कुछ तो बात है हम में जो हमें औरों से अलग बनाती है, तो हैं बहुत सारी बातें, आप में भी हैं, अपना ध्यान रखें। टीआई वाले बिहाइंड द सीन्स आने वाले हैं अब से थोड़ी देर में, तो तैयार रहिएगा। एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया, हर वीडियो के तो नहीं बनाते, लेकिन जिसके बनाते हैं दिखा देते हैं आपको, देखिएगा। गाइस, अगर आपको पीटीआई वीडियो के बिहाइंड द सीन्स देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। लेट्स कम टू नेक्स्ट न्यूज। गाइज, आज डैंक रिशु ने एक फोटो शेयर करी जिसमें वो साइमन सेज के साथ दिख रहे हैं। सो दैट मीन साइमन सेज एंड डैंक रिशु का एक न्यू कोलैब वीडियो जल्द ही आने वाला है। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। फ्रेंड्स, एज यू पीपल नो, 2020 का YouTube रिवाइंड वीडियो नहीं आने वाला है, बिकॉज YouTube ने खुद सर्कुलर निकाल के कहा था कि वो इस साल का रिवाइंड वीडियो रिलीज नहीं करेंगे। बट ठगेश ने आज अपने चैनल पे YouTube रिवाइंड पे वीडियो रिलीज करी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। लेट्स कम टू नेक्स्ट न्यूज। गाइज, मैंने अपनी इस न्यूज में कवर किया था कि आशीष चंचलानी स्ले पॉइंट एंड मिथ पैट का एक कोलैब वीडियो आने वाला है, एंड यू पीपल मे बी नोइंग 5th और 6th December को नेटफ्लिक्स टोटली फ्री है, एंड इसी वीकेंड फ्री नेटफ्लिक्स के रिगार्डिंग नॉट जस्ट आशीष चंचलानी, मिथपैट एंड स्ले पॉइंट, देयर आर मोर कंटेंट क्रिएटर्स इन दिस कोलैब वीडियो। सो इसके ऊपर आशीष चंचलानी ने क्या कहा, चलिए देख लेते हैं। गाइस, नेटफ्लिक्स ने सीधा पेट पे लात मारने को डिसाइड किया है, 5 और 6 December को नेटफ्लिक्स फ्री जा रहा है, इसलिए हम सब यूट्यूबर्स ने साथ मिलकर एक इमरजेंसी मीटिंग प्लान की थी, तो इमरजेंसी मीटिंग देखने के लिए स्वाइप अप करो, जाओ जाओ। और हाँ, नेटफ्लिक्स को ये बताओ कि हम यूट्यूबर्स कितने जरूरी है और हमारा धंधा बंद करना बंद करे, स्वाइप अप करो और जाके कमेंट करो, नेटफ्लिक्स स्टॉप दिस।
सो गाइज आपको एक यूट्यूबर्स मीटिंग देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। वन मोर थिंग गाइज, आशीष चंचलानी ने अपनी न्यू वीडियो के ऊपर अपडेट देते हुए ये कहा कि सॉरी गाइज इतने लोगों की शादी है दिसंबर में कि वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर डिसरेस्पेक्ट के बारे में। सो उनसे रिलेटेड बिग अपडेट ये आ रही है कि नेक्स्ट ईयर में भी उनका खुद का अवार्ड शो होने वाला है। इसके ऊपर उन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा कि आई थिंक द गेमिंग इंडस्ट्री नीड्स एन अवार्ड शो दैट फोकस ऑन थिंग्स दैट रियली मैटर। एग्जांपल्स, बेस्ट मल्टीप्लेयर मैप डिजाइन, बेस्ट वेपन स्किन डिजाइन, बेस्ट सिंगल प्लेयर लेवल, बेस्ट मेनू म्यूजिक, फनीएस्ट क्लिप, गेम प्ले क्लिप ऑफ द ईयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट्स सेटल्ड नेक्स्ट ईयर। एंड डॉक के इस ट्वीट पर ई-स्पोर्ट्स ने रिएक्ट करते हुए ये कहा कि वी हियर यू, वी विल हैप्पीली गिव यू अ डेडिकेटेड सेक्शन ऑफ आवर शो टू रन दिस इंक्लूडिंग एट दिस सेरेमनी इन अर्लिंगटन नेक्स्ट ईयर, ब्लैक एंड रेड ट्रॉफीज ऑप्शनल। सो मे बी नेक्स्ट ईयर डॉक का ई-स्पोर्ट्स में एक अलग अवार्ड सेक्शन ही होने वाला है। गाइस, अब गेमिंग की बात कर ही रहे हैं तो एफविज ने ट्विच एंड यूट्यूब पर टॉप 3 इंडिविजुअल पीक व्यूअर्स के डेटा शो किए। एंड आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब गेमिंग में इंडिया के डायनमो गेमिंग 3.2 मिलियन व्यूअरशिप के साथ टॉप पे चल रहे हैं। एंड इसमें द रॉनी गेम्स included now. So my hearty congratulations to both of them. Let's move to next news. Friends, recently Mr. Beast ne tweet karte hue ye kaha ki just started playing chess a few days ago. Any creators want to play? I am addicted. And iske upar world chess champion Magnus Carlsen ne react karte hue ye kaha ki okay Jimmy, I have been known to play some chess. If you want to challenge, I'll put 100k for sure. So guys, you never know. Shayad Mr. Beast and Magnus Carlsen ko in future hum chess khelte hue dekh payenge. Chaliye next story pe chalte hain. Guys, recently Fortnite Galactus S4 ka final event tha and usme 15.3 million concurrent players the It's a huge record. So, इसके पर Fortnite react करते हुए ये कहा कि we defeated him. A record 15.3 million concurrent players joined forces in our biggest event ever to fight back Galactus in today's in-game event. While more than 3.4 million cheered and watched on @ YouTube Gaming and @ Twitch. So, my huge congratulations to Fortnite. Let's move to next news. Friends, मैंने day before yesterday cover किया था कि Elvish यादव अपनी new roast video लेके आने वाले हैं. So, आज इसके पर उन्होंने new update देते हुए ये कहा कि आज रात 8:30 PM new roast and I think उनका new roast video आने वाला है हिंदू फोबिक महाहराम खोर लोगों के ऊपर और हो सके तो इन प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों के ऊपर। नया रोस्ट भाई 8:30 बजे आएगा और सबसे पहला काम भाई क्या करना है, ये वाली जो वीडियो है ना इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि भाई है थोड़ा ऐसे उल्टी सीधी चीजें इसमें थोड़ी बहुत, तो उसको डाउनलोड कर लेना और शेयर जरूर करना। आते शेयर कर देना, बाकी वीडियो पूरी तैयार है रात को 8:30। सो गाइस, वीडियो रिलीज हो चुकी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। गाइस, आज लक्ष्य चौधरी ने इंडियन यूट्यूब पे जो प्रैंक्स चैनल्स का गोरख धंधा चल रहा है उसको एक्सपोज करते हुए ये कहा कि जीरो इन्वेस्टमेंट पे अगर तुम्हें एक महीने में ऑडी खरीद के लानी है ना किसी काम से, ना 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 इन्वेस्ट नहीं करना, MLM नहीं है, तुम फ्रॉड में बेमतलब पड़ते हो भाई। सबसे बढ़िया यूट्यूब पे प्रैंक चैनल, उससे बढ़िया कोई धंधा नहीं है इस टाइम पे। तुम्हारे चैनल को सबसे ज्यादा रीच मिलेगी, उसको सबसे ज्यादा व्यूज मिलेंगे, उसको सबसे ज्यादा ब्रांड्स भी मिलेंगे। वो ग्राफ अप डाउन वाली वो प्रैंक चैनल पे जाती हैं, सीधी बहुत पैसा देती हैं। कभी वीडियो एज रेस्ट्रिक्ट नहीं होगी, कभी तुम्हारी वीडियो डिमोनेटाइज नहीं होगी। अगर तुम लड़के हो तो तुम्हें इतनी मेहनत करनी है, बस मोहल्ले की किसी आंटी को मनाना है कि मैं आंटी या लड़की होगी ना कोई कि आ जाओ वो प्रैंक बना रहो। अगर तुम लड़की हो तुम भाई फिर तो सोने पे स्वागत, तुम्हें तो किसी को ढूंढ के भी नहीं लाना, मनाना भी नहीं है, लड़का तो आ ही जाएगा फट से प्रैंक चैनल में। इससे बढ़िया धंधा इस टाइम पे YouTube पे क्या पूरे देश में, मतलब YouTube पे प्रैंक चैनल सबसे बढ़िया धंधा है, सबसे ज्यादा रीच है भाई, अंधाधुन व्यूज है और अंधाधुन पैसा है। और मैंने तुम लोगों को इतना अच्छा आइडिया देना, मैं चिढ़ता नहीं हूँ प्रैंक वालों से, लेकिन अब जो स्टार्ट करेंगे ना मेरे कहने के बाद और उनको व्यूज आएंगे भाई, बस 20% लूंगा तुम्हारे चैनल का और तुम्हें ब्रांड्स ला के दूंगा उसका भी 20% लूंगा, मतलब बस मेरा प्रॉफिट ये है, मैं खुश हूँ उसमें, मुझे पता है चलोगे तुम, ब्रांड्स मैं ला के दिया करूंगा, 20% रखूंगा, सब भाई मिलके पैसा कमाएंगे क्योंकि यूट्यूब पे यही तो चलता है। ठीक है, डन डील, डील डन, तो जो जो खुलेगा बता देना। गाइज, अब लक्ष्य चौधरी की बात कर ही रहे हैं तो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाई हो गया है एंड उनकी प्रोफाइल पर ब्लू टिक लग चुका है, सो इस पे भी उन्होंने रिएक्ट किया है। लेट्स चेक इट आउट। तुम्हारा भाई वेरीफाई हो गया, अभी अभी इंस्टाग्राम पे लोगों के मैसेज आए, मैं देख रहा यार मुझे दिख नहीं रहा, मैंने रिफ्रेश किया तुम्हारे भाई पे ब्लू टिक लग गया एकदम, कांग्रेचुलेट तो कर दो सेलिब्रिटी। बट मैन, मैं कॉल पे था स्पीकर पे डाल के मैसेज इंस्टा अपना चेक कर रहा था, लोगों के मैसेज आने शुरू हुए कांग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग वेरीफाइड, जब मैंने रिफ्रेश किया मैं वेरीफाई हो चुका था। थैंक यू इंस्टाग्राम यार ऐसे सरप्राइज देने को। अभी जो है वजन बढ़ गया भाई, बात का है ना, ब्लू टिक लग गया नाम के आगे है। अभी रिश्तेदारों के सामने भी पैर पे पैर रख के बैठा करूंगा, मैंने कहा चौधरी साहब बैठे हैं ब्लू टिक है भाई इंस्टाग्राम पे। थैंक यू यार, लव यू है भाई सबको। लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज। गाइस, इंटरनेशनल यूट्यूबर रैपर एंड बॉक्सर जेक पॉल के न्यू बॉक्सिंग मैच के रूमर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। उनका नेक्स्ट बॉक्सिंग मैच होने वाला है ब्रिटिश यूट्यूबर जो वेलर के साथ।
सो गाइस, जो वेलर कोई प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं है, बट 2017 में जो वेलर ने ही यूट्यूब बॉक्सिंग का ट्रेंड स्टार्ट किया था जब उनका एंड थियो बेकर का बॉक्सिंग मैच हुआ था। सो लेट्स सी जेक पॉल वर्सेस जो वेलर का बॉक्सिंग मैच कब होता है। लेट्स वेट टिल देन एंड जंप टू नेक्स्ट न्यूज। गाइस, मैं बात करने वाला हूँ एमवी बंटाई के बारे में। सो एज यू पीपल नो, उनका लेटेस्ट सॉन्ग रिंग रिंग रिलीज हुआ था एंड इस सॉन्ग को ग्लोबल टॉप 10 सॉन्ग की लिस्ट में फीचर किया गया था। सो इसी सॉन्ग के रिगार्डिंग वो रिसेंटली अपने इंस्टा पे लाइव आए थे एंड किसी ने उनसे ये पूछा कि उनके सॉन्ग्स टीवी पर क्यों नहीं आते एंड इसके अलावा वो कुछ सरप्राइज भी लेके आने वाले हैं। सो इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा, चलिए देख लेते हैं। बहुत सारी सरप्राइज दिए थे, ड्रॉप हुई इसका सॉन्ग टीवी पे क्यों नहीं आता। सो आई थिंक टीवी पे मैं इसलिए नहीं आने देता बिकॉज़ मैं चाहता हूं कि जो चैनल वाले हैं, पहले एक टाइम में हुआ करता था जब अपन अपने गाने टीवी पे देते थे कि म्यूजिक बजे, आज हिप हॉप काफी बड़ा हो चुका है, ग्रेटफुल अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई थिंक टीवी वाले को अपने को पैसे देने चाहिए कि हमारे गाने टीवी प्ले करे, जो भी चैनल हो, यू नो। सो मुद्दा लाने दो, वीडियो जाने दो, सो ऐसा सीन्स है। सो आई हैव नो प्रॉब्लम विद एनीवन, जो भी आर्टिस्ट को उसका हक का पे कर रहा है उसके पास अपन बहुत मेहनत आते हैं क्षितिज की, भाई डाल दो रेडियो पे ये वो ये वो, बट लेकिन आप लोग को ये बात मैं बता देता हूँ, कोई भी काम फ्री में नहीं होना चाहिए। जब तुम कर रहे हो उस चीज पे तो बस मेक श्योर करो कि अपना वैल्यू अपने। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। फ्रेंड्स, पबजी की तरफ से न्यू अपडेट ये आ रही है कि पबजी कॉर्पोरेशन की इंडियन गवर्नमेंट से बात चल रही है एंड इनसाइड सोर्सेस से ये पता चला है कि रिक्वेस्ट इज येट टू बी ग्रांटेड बाय द मेटी। इन द करंट सर्कमस्टांसेस इट विल नॉट बी इजी फॉर पबजी टू रीलॉन्च देमसेल्व्स बिफोर जनवरी फरवरी नेक्स्ट ईयर एंड दैट टू विल डिपेंड ऑन द स्टांस ऑफ द गवर्नमेंट। सो गाइस, लेट्स सी 2020 के एंड तक पबजी लॉन्च हो पाता है या नहीं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज। फ्रेंड्स, मैंने अपनी इस न्यूज में कवर किया था कि फौजी गेम की प्री रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सो ऑलरेडी 1 मिलियन प्लस लोगों ने गेम के लिए ऑलरेडी प्री रजिस्ट्रेशन कर लिया है एंड इसके ऊपर एनकोर गेम्स ने ट्वीट करते हुए ये कहा कि थैंक यू फॉर अ फैंटास्टिक रिस्पांस, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्री रजिस्ट्रेशन इन इंडिया इन लेस देन 24 आवर्स, 1 मिलियन प्लस एंड काउंटिंग, #फौजी #बीफियरलेस। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। गाइज, मोस्टली सीन एंड रोहित सरफ को दी मैगजीन इंडिया के कवर पेज पे फीचर किया गया है एंड इसके ऊपर मोस्टली सीन ने रिएक्ट करते हुए ये कहा कि सो हाइप्ड अबाउट बीइंग ऑन द कवर ऑफ दिस मंथ दी मैगजीन इंडिया विद माय क्यूडी रोहित सरफ, यू आर एंड विल ऑलवेज बी द ऋषि टू माय डिंपल, #mismatched@netflix। लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज। फ्रेंड्स, अब मैं बात करने वाला हूं ब्रिटिश यूट्यूबर रायन टेलर के बारे में। सो रिसेंटली उनको स्पैनिश पुलिस ने अरेस्ट कर लिया बिकॉज यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए उन्होंने $500 की BMW कार को बहुत बड़े गड्ढे में धकेल दिया। सो लेट्स चेक इट आउट दैट क्लिप। तो गाइस, अगर आपको ये पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए गाइस, अब आज के अचीवर्स से मिल लेते हैं। साइडमैन के 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अमित भड़ाना के 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, गुफू द राइडर व्लॉग्स के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, पी पॉय का यूट्यूब चैनल वेरीफाई हो चुका है, टेक्नो गेमर्स के 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सिनफुल फूडी ने अचीव कर लिया है अपना सिल्वर पे बटन, साइड सर्फ केक स्टूडियो के भी मिल चुका है उनका सिल्वर पे बटन एंड फाइनली मीनवाइल इन एसएल ने भी अचीव कर लिया है अपना सिल्वर पे बटन। माय हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। गाइस, जो मुझे न्यूज भेजना चाहते हैं फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड जो मुझे पहले न्यूज भेजेगा उसे मेरे डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट्स भी मिल सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए एंड इसी डेली अपडेटेड यूट्यूब न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।